16 जून 2020 पार प्रोजेक्ट 1056 मुरिंगा की जो लाइनें लगाई हैं, ये कंट्रोल जिसमें कुछ अप्लाई नहीं किया और माशाल्लाह जिसमें सेम डेट की सोइंग, जिसमें हमने इनाकुलम और कंपोस्ट और फर्टिलाइजर तीनों अप्लाई किए हैं और इसकी ग्रोथ देखें एक्सीलेंट। और ये साथ कि जिसमें इनाकुलम नहीं है, खाली फर्टिलाइजर है, ये सिर्फ फर्टिलाइजर है और यहाँ पे इनाकुलम कंपोस्ट और फर्टिलाइजर है। ये दूसरी वैरायटी भी देख लें, इनाकुलम कंपोस्ट और फर्टिलाइजर, एक्सीलेंट रिस्पांस। और ये साइंटिस्ट की मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर नवीद को, उन्होंने इतने अच्छे बैक्टीरिया ढूंढे और कंपोस्ट बनाई है। तो ये लाइन देखें कि जिसमें हमें अप्लाई किया और ये लाइन जिसमें नहीं अप्लाई किया। और ये हमारा डबल कंट्रोल है जिसमें ना फर्टिलाइजर है ना इसके अंदर कोई कंपोस्ट है, कुछ भी नहीं है बगैर फर्टिलाइजर के। बायो फर्टिलाइजर ये अल्टरनेट नहीं है, पार्शली सब्स्टिट्यूट करते हैं आपकी कीमियाई केमिकल खादों को। अच्छा, इसका ये होता है कि जो कंपोस्ट है या और बायो फर्टिलाइजर है जी, हम खाद के इस्तेमाल को 25 से 50% कम करते हैं, जिससे आपकी सर ने जैसे कहा कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो बेहतर हो जाती है। जो आपने खादें जो एक एक ज़रा आपका फील्ड के अंदर अप्लाई होता है वो इफेक्टिवली क्रॉप्स जो वो अपटेक कर लेती है और क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो इम्प्रूव हो जाती है। और इवन स्ट्रेस भी हो तो आपका जो बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये क्रॉप को हेल्दी रखता है, ये उसको एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स।